तो हम लोग आ गए हैं अब बर्फ पे। सो फ्रेंड्स, टाइम है आपका 6:30 बजे है और रात की 10 बजे की फ्लाइट है और मैंने पैकिंग जस्ट अभी शुरू करी है, तो चलिए शुरू करते हैं। डू यू थिंक इतने महंगे महंगे कोई सूट लेता होगा यहाँ से? पागल ही होगा। लखनऊ आया तो एयरपोर्ट से सूट ले, गधा। तो गाइस, 1 बज रहा है और हम लोग निकल चुके हैं होटल से अपने, और अब हम लोग जाएंगे कहीं खाने पीने कुछ, फिर जाएंगे थोड़ी साइड विंग पे। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं कश्मीर में, श्रीनगर में, और श्रीनगर का ये दिल है। दिल मतलब ये है आपकी डल लेक, जो कि बहुत प्यारी है, मतलब लिटरली बहुत प्यारी है ये। और मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है इसको डिस्क्राइब करने के, ये एक अल्टीमेट सीन है। यहाँ पे इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर है, इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर है, बस क्या बताऊँ। सो गाइस, आज पहला दिन हो चुका है और मतलब दिन की शुरुआत हो चुकी है और 3:10 हो रहे हैं। तो मैं हूँ यहाँ पे डल लेक के आगे, एक बहुत बड़ा सा गार्डन है। तो मैं यहाँ पे हूँ और आप ये देख सकते हो मेरे पीछे का व्यू कितना ऑसम है। ये पहाड़ देखिए आप मेरे पीछे, सो गाइस ये गार्डन, ये पार्क, क्या आप इसको जो भी कहें, ये इतना ह्यूमंगस है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि बस क्या बताऊँ। यहाँ पे मतलब सिर्फ ग्रीनरी है, ग्रीनरी है, ग्रीनरी, और मतलब बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर है, बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर है यहाँ का। ये रास्ता बहुत दूर तक गया है और धूप भी हो रखी है, आज टेम्परेचर भी जो है कोई ख़ास इतना नहीं है, आज थोड़ी धूप है, गर्म है, सुबह सुबह ठंड थी, रात होते यहाँ पे ठंड शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने खाना खाया था, अगर आपको कश्मीर आए हो और आपको वेज या नॉन वेज दोनों खाना है बढ़िया, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। एक यहाँ पे बॉलीवुड रोड पे एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है बॉलीवुड एवेन्यू, आप वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे मस्त एकदम खाना मिलता है, बहुत मस्त खाना मिलता है। Just look at the view. हेलो गाइस, सो हम आ गए हैं सोनमर्ग में और ये वाकई जन्नत है। मतलब जो लोग कहते हैं कि कश्मीर, जिसे जन्नत नहीं देखी वो कश्मीर आ जाए, तो सीरियसली ये एक जन्नत है। आप देख सकते हो मेरे पीछे का नज़ारा और आप ये देखो जो पीछे जो पहाड़ है, ये इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि कैमरा भी एक जज नहीं कर सकता, चाहे जो सा कैमरा हो वो जज नहीं कर सकता, जो हम अपनी आंखों से देख के बयान नहीं कर सकते, हम उस चीज़ को बयान नहीं कर सकते, ये इतना खूबसूरत है। और यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो रही है और साथ ही साथ बारिश भी हो रही है। सो गाइस,
यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है एंड आई एम वेयरिंग अ सिंगल पीस ऑफ शर्ट। और यहाँ पे मेरी हालत एकदम खस्ता हो चुकी है और मौसम बिगड़ने के कारण सब लोगों ने मुझसे मना कर दिया है कि स्नो बाइकिंग मत करो। मैं इतनी दूर श्रीनगर से, पहले मैं वहाँ पे आया सोनबर्ग में, फिर मैं वहाँ से अब यहाँ आया 0 डिग्री पे। यहाँ पे आप बर्फ देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, और यहाँ पे बारिश हो रही कड़ाके वाली, तो टेम्परेचर बहुत लो है और मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। बस अभी आके यहाँ पे खाना खाया, सुबह से चले हुए थे एंड यू कैन हैव अ लुक एट दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ टूरिस्ट। यहाँ पे सिर्फ टूरिस्ट हैं और यहाँ पे टेंट्स हैं सब जगह। बहुत ठंडक है यहाँ पे। सो गाइस, वी आर प्लानिंग टू गो बैक टू श्रीनगर, सो वी कंटिन्यू द व्लॉग टुमारो और मे बी लेटर। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे। यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हॉर्स राइडिंग है, ऊपर स्काई सीइंग है, और इधर भी आप देख सकते हो काफ़ी एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं इधर। ये मतलब इतना पीसफुल है कि जैसे कि जिन लोगों को मन करता है कि स्विट्ज़रलैंड जाने का, सच में एक बार कश्मीर आ जाओ और आप भूल जाओगे कि स्विट्ज़रलैंड क्या है। उसको जन्नत देखनी है वो कश्मीर उसको बोलते कैश मोर। कितना कैश होता है, योर हैप्पी आई एंजॉय लॉट ऑफ गूगल पे। ओके दादा, मीम साहब को कॉल करो, बोला हम तैयार है, आप मेहंदी रात मना दो, योर हैप्पी। थैंक यू दादा। हमको 20 बजे हम चाय पिए करते, हम कवार आए, देखो हमारा अबरिश्म हो गया दादा, मेरे पास यही चेंज है, बस ये लॉक के ऊपर है। ओके दादा, तो ये देख सकते हो आप, दादा मिल गए, बढ़िया आदमी थे, बहुत अमेजिंग व्यू है यहाँ का, बहुत अमेजिंग व्यू है। सो ये हम लोग अभी जाएंगे राजा के महल में, जो कि काफ़ी अंदर है और ये काफ़ी ऊंचाई पे है, ये आपका गुलमर्ग में है। ये हम लोग जा रहे हैं राजा के महल में, जो कि ये इधर है और आपको आगे चलते चलते इसका व्यू दिखेगा। और यहाँ पे फेंसिंग लगी हुई है ताकि जानवर जो है क्रॉस ना करें, और ये काफ़ी ऊंचाई पे है ये। सो ये है राजा का महल, और चलिए इसके अंदर चल के आपको दिखाता हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, ये हम लोग हैं, यहाँ पे राजा का एक महल है, ये यहाँ पे उनका कमरा है, देख सकते हो। राजा साहब एसी में सोते थे, नहीं ये एसी बाद में लगे हैं, पर उनका कमरा ऐसा था। ये जैसे बताया जा रहा है बाहर, ये 100 साल पुराना है, ये राजा साहब की टेबल है, यहाँ खाना खाते थे। हर कमरे में आपको ये देखने को मिल जाएगी, हर जगह एसी लगे हैं। ये बेडरूम नंबर 3 है, और यहाँ पे भी राजा साहब सोते थे कभी कभी। फिर एक हर जगह एसी लगे, वो भी एक नहीं दो दो एसी लगे हैं। तो ये गुलमर्ग में है ये राजा का महल कश्मीर में, और मुझे सबसे एंटीक चीज़ जो लगी वो ये लगी,
ये रूम, क्योंकि ये बाकी सब तो है पर ये कुछ एंटीक है, कुछ यूनिक है। ये देखिए, ये कवच है, ये कुछ हथियार हैं, कुछ सैनिकों के हथियार हैं, कुछ पुराने ज़माने की बंदूकें हैं, कुछ तलवारें हैं। ये कुर्सी है जिस पे जो है रानी साहिबा या राजा साहब को उठा के ले जाया जाता था इधर से उधर। ये बहुत एंटिक चीज़ है। ये घड़ी है, ये फिर एक और अंगीठी। ये क्या है? ये शायद जो है कपड़े लटकाने का स्टैंड है। तो कुछ यूं है, इस तरह से आप ऊपर इसके देख सकते हो। ये इसकी फॉल सीलिंग है, ये अलमारी है। शुभ, ये अलमारी है जो कि लॉक है, ये भी लॉक है। ये कर्टन्स बहुत अच्छे हैं, ये फेमस है कश्मीर के। ये देखिए, यहाँ पे ताला है। ये इसके बाहर का नज़ारा है। महल तो कुछ ख़ास बड़ा नहीं है पर हाँ बहुत प्यारा बना हुआ है, काफ़ी सुंदर बना है। ये यहाँ पे एंड हो जाता है। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड भी है। हाँ ब्रो, सब लोग कहाँ हैं? नीचे नीचे क्या है? जाके बना ये बहुत। तो ये हम लोग आ गए हैं अंडरग्राउंड। इस महल का ये अंडरग्राउंड है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक के यहाँ खूब सारी चेयर्स पड़ी हुई हैं। ये यहाँ पे भी डाइनिंग टेबल पड़ी हुई, चेयर्स पड़ी हुई हैं, और काफ़ी बड़ा सा इन लोगों ने जो है बना रखा है। ये कुछ बटन्स हैं जो कि वर्क नहीं कर रहे। सो गाइस, टुडे इज़ द फोर्थ डे और आज हमारी यहाँ से रवानगी है और आज हम लोग जा रहे हैं पहलगाम में। तो आज अपना स्टे है पहलगाम में। अपनी गाड़ी उधर खड़ी है, तैयार हो चुके हैं, होटल के बाहर खड़े हैं, चेकआउट कर लिया है और अब चलते हैं। सो गाइस, ये हमारे पीछे आप देख रहे हो, ये सब जो है एप्पल की ट्रीज़ हैं और यहाँ पे सब एप्पल ही एप्पल हैं। ऊपर यहाँ पे जूस मिल रहा है और ये हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं क्योंकि बहुत देर से चल रहे थे और लगभग 2-2.5 घंटा हो चुका है चलते चलते। अब यहाँ पे रुके हैं, एप्पल का जूस पियेंगे फिर निकलेंगे। और ये सब पूरा दूर दूर तक के एप्पल ही एप्पल के पेड़ हैं, सारे पेड़ एप्पल के हैं। भाई, तो आप कैनेडा से जा रहे हैं? हाँ। कितने दिन हो गए आपको गए हुए? 4 महीने। 4 महीने से निकले? बहुत बड़ी बात है यार। अब कितना टाइम हो जाएगा पहुँचने में? 120 डे। मतलब 4 ही महीना और लगेगा। हाँ, 4 वो ले जाती है श्रीनगर। आप अकेले हो? कैंपिंग करके। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं पहलगाम में और यहाँ पे आप मौसम देख सकते हैं, मौसम के मज़े लेते हुए टूरिस्ट देख सकते हैं। पूरा टूरिस्ट से भरा हुआ है ये। और अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने। काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे पहुँचते पहुँचते क्योंकि रास्ते में कई जगह रुके
थक गए हैं, पर जब घूमने आए तो थकना जो है लाजमी है। बहुत रश है, बहुत लोग घूमने आए हुए हैं। अब तक के ये 2 साल का रिकॉर्ड है कि अब तक कश्मीर में सबसे ज़्यादा लोग घूमने आए 2 साल के बाद। तो ये पहलगाम में एक रेस्टोरेंट है दाना पानी के नाम से, जो कि काफ़ी फेमस और खाना यहाँ का बहुत अच्छा होता है, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो ये लास्ट डे का हम लोगों ने सारे होटल से चेकआउट कर लिया। हम लोग 3 होटल्स गए, दो होटल्स अब तक के जा चुके हैं, ये 3rd होटल है। ये एक्चुअली एक बोट हाउसेज होता है, जिनको नहीं पता है बोट हाउस क्या होता है, ये पानी के ऊपर डल लेक के ऊपर जो है ये कई सारे बोट हाउसेज बने होते हैं, जो कि काफ़ी बड़े होते हैं, बॉन्कर्स इन साइज़ होते हैं, जहाँ पे कई सारे कमरे होते हैं, वहाँ पे आपको खाने का मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लाइन्स आप देख सकते हो, ये बोट हाउसेज हैं और ये मतलब एक नहीं, 100-200 नहीं, कई सारे होते हैं यहाँ पे बोट हाउसेज। आप यहाँ से शिकारा से जाते हैं बोट हाउसेज तक के, वो आपको बोट हाउस पर छोड़ता है और फिर आप वहाँ से जो है स्टे करते हो वहाँ पे। It gets confusing when you say you love me, when you say that we're just friends. You must be thinking this is just a game, I'm not interested to play. I'm looking for something real, won't you tell me how you feel, what your true intentions. If you want me, baby, something needs to change. I'm done wondering, I want clarity, no more wicked ways. Hello friends, what's up, and today is the last day of the vlog because aaj hum Lucknow wapas nikal jayenge, raat ki hamari flight hai. तो हम कल रात ही जो है बोट हाउस पे आ गए थे और फिर रात ज़्यादा हो गई थी तो कैमरे में सही से आ नहीं पाया, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये हमारा बोट हाउस है वाला, और यहाँ पे बहुत मज़ा आता है क्योंकि ये सब पानी के ऊपर बना हुआ है, फ्लोट करता रहता है और थोड़े थोड़े झटके भी लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि एक बोट में लगता है वैसे ही। तो सुबह के फ्रेंड 9:30 बज रहे हैं और अभी हमारा ब्रेकफास्ट आया है और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे लेक का व्यू कैसा आता है। ये पूरा डल लेक पे बना हुआ है बोट हाउस। यहाँ पे एक नहीं 100 से ज़्यादा 200 से ज़्यादा बोट हाउसेज हैं और यहाँ पे सब देख रहे हैं आप, ये सुबह सुबह शिकारा पे निकल गए हैं, ये सब शिकारा है। तो आप देख सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक के बोट हाउसेज बने हुए हैं, बोट हाउसेज ही हैं बोट हाउसेज हैं। और ये वाला हमारा है, ये वाला मेरे पड़ोसी का है, तो ये सब कुछ सारे बोट हाउसेज हैं और सब जो है फ्लोट करते रहते हैं। यहाँ पे रात में जो है कई सारे वेंडर्स आए हैं, जो कोई कश्मीरी शॉल बेच रहा है, कोई कश्मीरी जो है हैंडमेड आर्टिकल्स बेच रहा है, तो यहाँ पे वेंडर्स भी आते रहते हैं। यहाँ तक के कि चिकन टिक्का वाले लोग भी आते हैं कि रात पे चिकन टिक्का बना के दे रहे हैं। बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। अगर कश्मीर में कोई आए तो बोट हाउस पे ज़रूर आए, बोट हाउस पे अपना स्टे करे और उसको अलग ही एक्सपीरियंस आएगा, जैसे कि वेनिस का एक्सपीरियंस होता है। जैसे वेनिस होता है वहाँ पानी में सब कुछ होता है, तो यहाँ भी ऐसे ही होता है। ये देखिए सामने ये बोट है, ये देखिए ये वेंडर है, ये कुछ बेच रहे हैं अपना सामान। कश्मीरी गुलका है, और केसर का है, और कश्मीरी गुलका है।
क्या कर रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे श्रीनगर की मार्केट और इसको एक्सप्लोर करते हैं। चलिए कब चाहिए ना चाहना चुनो नन अमुमार दो हर सुगा ऑप्शन ची चुनने पाना दानन इया की का नर पोनुं सुंगां इहे का द्वेसा मैं बन या 내맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보면 왜 그러냐.